आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। चमोली जिले का एक ऐसा दूरस्थ एवं दुर्गम गांव जहां जाने के लिए 25 किलोमीटर पैदल मार्ग से चलकर जाना पड़ता है, जहां के लोग आज भी स्वास्थ्य, सड़क एवं दूरसंचार जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां के लोग आज भी इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। एक तरफ जहां देश तरक्की कर रहा है और इंसान चांद तक पहुंच गया, वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले का दूरस्थ गांव डुम्मक कलगोट अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि यहां के ग्रामीण रोजमर्रा की चीज लेने के लिए घोड़ा एवं खच्चर से 25 किलोमीटर पैदल मार्ग से बाजार तक पहुंचते हैं। यदि इस गांव में महिला एवं कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है तो बीमार व्यक्ति को यहां के ग्रामीण दोपहिया चलने वाली गाड़ी से डंडी कंडी के सहारे अपने कंधों से लादकर बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र तक पहुंचाते हैं। सच ही कहते हैं कि पहाड़ का जीवन बड़ा कठिनाइयों से भरा होता है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहां के ग्रामीण पैदल चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीरों में साफ साफ बयां हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यहां के ग्रामीणों के बच्चों का कहना है कि दूर ऊंचाई पर जाकर कहीं पर नाम मात्र संचार व्यवस्था सूक्ष्म रूप से पकड़ पाता है और बच्चे वहीं पर जाकर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। और तो छोड़िए, इस गांव तक जाने के लिए पैदल मार्ग तक ठीक ढंग से नहीं बना हुआ है, पहाड़ों से गुजरना पड़ता है और पहाड़ टूटने का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। यदि पहाड़ का कोई हिस्सा टूट जाए तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। रास्ते में जंगली जानवरों का अलग से खतरा बना रहता है। अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है यह गांव। यहां के ग्रामीण हर दिन सड़क के इंतजार में आस लगाए हुए रहते हैं, लेकिन यहां के ग्रामीणों की समस्या जस के तस आज भी पड़ी हुई है। उत्तराखंड चमोली जिले का एक दूरस्थ गांव डुमक कलगोट, जहां के लोग आजादी के 73 साल बाद भी मिलों मिलों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। वहां के ग्रामीण 25 किलोमीटर हर रोज आवाजाही करते हैं। यदि उस गांव में कोई अचानक बीमार हो जाता है तो वहां के ग्रामीण बीमार व्यक्ति को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं बीमार व्यक्ति के साथ। और तो छोड़िए, पैदल जाने का मुख्य मार्ग भी ठीक से नहीं बना हुआ है। रास्ते में जंगली जानवर का भय अलग से रहता है, पहाड़ों से चट्टान टूटने का डर अलग सा बना हुआ रहता है। लेकिन डुमक कलगोट की समस्या आज भी आजादी के 73 साल बाद भी जस की तस पड़ी हुई है। हर रोज वहां के लोग सड़क, दूर संचार, स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। उत्तराखंड चमोली जिले का दूरस्थ गांव डुमक कलगोट। उत्तराखंड चमोली से देखिए सिद्धार्थ भंडारी के साथ नवीन भंडारी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शहदेव सिंह रावत चमोली जिले के दूरस्थ गांव डुमक कलगोट से बात कर रहा हूँ। दरअसल मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं और राज्य गठन के 20 साल से भी अधिक बीतने को है, और मुझे कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि आज भी हमारे क्षेत्र की मूलभूत सड़क और दूरसंचार जैसी मूलभूत समस्याएं उपलब्ध नहीं है। एक और यहाँ सड़क निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन जिस कछुआ गति से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है तो ऐसे में लगभग यहाँ की ग्रामीणों का सपना लगभग 20 सालों में भी साकार होने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं करूँ तो आज एक और पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है। दूसरी ओर हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रखा है, वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जब दूरसंचार ही नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे? तो ऐसे में लोग दूर धार धार में जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है मतलब बहुत चौपट हो रखा है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर
सड़क और दूरसंचार जैसी मूलभूत समस्याएं उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम अस्मित रावत है। मैं चमोली जिले के एक दूरस्त गांव डुमक कलगोट से बात कर रहा हूं। यहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व को कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं हमारे गांव में नेटवर्क प्रोग्राम बहुत है। हमें दूर दूर के धार में जाकर हमें अपने नेटवर्क करनी पड़ रही है। हमें दूर दूर जाके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करनी पड़ रही है। और ऐसी हमारे मेरा सरकार से एक निवेदन है कि वो हमारे गांव में जल्द से जल्द नेटवर्क की सुविधा प्राप्त करवाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड खबर के लिए देखिए चमोली से नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट।